हेलो दोस्तों, ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो बड़े बड़े रिच लोग होते हैं, वो बहुत छोटे थे लेकिन आज बहुत बड़े रिच बन गए। वो कैसे? मतलब धीरू भाई की बात करो, धीरू भाई एक चौल में रहते थे और आज इतने बड़े बिजनेसमैन हो गए कैसे? और उसका ही बिजनेस अपने फैमिली में भी ट्रांसफर हो गया कैसे? तो दोस्तों, स्मॉल लेदर द रिच, मतलब हमें सोचना चाहिए, फील करना चाहिए, विजुलाइज करना चाहिए, उस पर बिलीव करना चाहिए। तो कैसे, वो सारी बातें आपको बताऊंगी वीडियो में। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे ना तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें बिना मत जाना। तो दोस्तों, डैन पेना से स्मॉल लेटर टू बी रिच, मतलब उसको फील करो। मतलब आप ये सोचो कि आप बड़े लोगों के साथ हो, वो लोग कैसे बड़े बने, उन्होंने ऐसा क्या किया जो हम नहीं कर सकते, मतलब उसको फील करना स्टार्ट करो। एग्जांपल के थ्रू बात करो तो आप उस पर बिलीव करो। कैसे? आप ये सोचो कि आप बड़े से शोरूम में जब जाते हो, वहाँ कोई अच्छी कार दिखे, आप वहाँ बैठ के उसके सीट को फील करो, उसमें कितने आराम है, उसके फीचर को फील करो, मतलब चीज़ें को फील करना स्टार्ट कर दो। आप कोई वॉच खरीदने जाते हो, बहुत महंगी वॉच हो, उसको आप पहन के देखते हो, आपके हाथ में कैसी लगी, आप इतना फील करते हो, तब जाके वो चीज़ें आपको लेने के लिए अट्रैक्ट करती है। जैसे कि आप एग्जांपल दूँ ना, आप किसी शॉप में जाते हो, वहाँ कुछ प्रोडक्ट आपको अच्छी लगी, आपको कुछ कुर्ती अच्छी लगी, कुछ शर्ट अच्छा लगा, कुछ परफ्यूम अच्छा लगा, आप उसको ट्राई करते हो और आपका दिल उस पर आ जाता है, तो आप उसको खरीदने लेके जी जान लगा देते हो, मतलब पैसे जोड़ना स्टार्ट कर देते हो कहीं से भी और फिर उसको लेके आ दो। बस वही चीज़ आपको यहाँ करनी है, लेकिन वो छोटा नहीं, बड़ा चीज़ होनी चाहिए। बड़ी चीज़ मतलब कोई महंगी गाड़ी हो, कुछ महंगी चीज़ हो। आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूँगी, आपने कभी देखा है जो टीवी होती है, वहाँ आप जब टीवी देखते हो तो वहाँ पोर्श, BMW जैसी बड़ी बड़ी कार की एडवर्स आती है? कभी नहीं आती है दोस्तों, क्योंकि जो बंदा टीवी देखने में बिजी है ना, वो ऐसी बड़ी चीज़ों के लिए सोचता ही नहीं है, तो इसलिए वो चीज़ कभी टीवी पे नहीं दिखाई जाती। कभी भी मैंने ऐड इतनी बड़ी बड़ी, अब एक बिस्लरी पानी की बोतल 20 रुपए की आती है और उसकी ऐड हम टीवी में देखते हैं, लेकिन जो सेलिब्रिटी पानी की बोतल पीते हैं, जो 250 की, 150 की, 600 रुपए की आती है, उसकी ऐड कभी आपने टीवी पे देखी है? नहीं देखी होगी, क्योंकि जो चीज़ें एक्सपेंसिव होती है, जो बड़े लोग यूज़ करते हैं ना, वो चीज़ें टीवी पे कभी नहीं दिखाती। तो बस जो चीज़ टीवी पे नहीं आती, जो बड़ी चीज़ बड़े लोग करते हैं, वो हमें करना चाहिए, हमें वहाँ वो चीज़ें फील करनी चाहिए। आप एक कॉफ़ी शॉप में जाके, बहुत बड़ी कॉफ़ी शॉप होनी चाहिए, वहाँ एक कॉफ़ी पी लो, भले 300 रुपये गए, ये मत सोचो कि मेरे 300 चले गए, अरे ये सोचो वहाँ से आपको कोई रास्ता मिलेगा। ये जब आप फील करना स्टार्ट करोगे, उस पर आप सोचोगे, आप बिलीव करोगे, तब जाके वो चीज़ आप कर पाओगे, तब जाके वो चीज़ आपकी लाइफ में होगी। मेरी बात करो, जब मेरे भी बड़े बड़े ड्रीम्स थे, पहले मैं नहीं सोचती थी, हम क्या करते थे, नॉर्मली जो इनकम आती है उसके बारे में सोचते हैं और उससे भी हम अपनी ज़िंदगी जीना स्टार्ट करते। लेकिन वो क्यों? क्योंकि हमें अगर बड़ा करना है तो बड़ी चीज़ें सोचो यार, सोचने में पैसे नहीं लगते, लेकिन अगर बड़े सोचोगे, उसको फील करोगे, तब जाके वो चीज़ें हमें अट्रैक्ट करेगी और उसके लिए हम अपना जीजा एक कर देंगे, तभी जाके हम हार्डवर्क करके वो चीज़ अचीव कर सकते हैं। अगर सोचोगे ही छोटा तो छोटी चीज़ होगी, इसीलिए इसको कहते हैं स्मॉल लेटर टू बी रिच। बड़ा सोचो, बड़ा फील करो, तब जाके वो चीज़ आपके पास अट्रैक्ट करेगी। अब रिच और विथ में क्या डिफरेंस होता है? जो रिच लोग होते हैं, वो कैसे खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे खड़े रहते हैं, उसका एक पूरा पैटर्न होता है। हमें वो चीज़ को फील करनी चाहिए, हमें वो चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्रूव करना चाहिए। छोटा सा ही सही, कुछ तो ऐसा बड़ा करो, एक पानी की बोतल ही लेके आ जाओ, बड़ी बहुत महंगी, और उसमें भले घर का पानी पियो, लेकिन फील करो कि बहुत एक्सपेंसिव पानी। जब ये चीज़ें फील करना स्टार्ट करोगे, डेफिनेटली आप अपने लाइफ में कामयाब होना स्टार्ट करोगे, क्योंकि वो ही आता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और वो चीज़ आपकी लाइफ में इजीली आना स्टार्ट हो जाएगी। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।